आ गए हैं बोट हाउस। बोट हाउस के एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री होगी पूरी, पार्किंग दी गई है पूरी एंट्रेंस की, और यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो देखने को मिलेगा ये कुछ यहाँ से एंट्रेंस है अपनी। यहाँ से अभी अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने वार्निंग दे दी है, जो पढ़ना है तो पहुँच कर लेना। यहाँ से अपनी एंट्रेंस है, काफ़ी भीड़, आज संडे है तो काफ़ी भीड़ मिलेगी यहाँ पे, तुम्हें किसी वीक डे में आना जब आना। अभी अंदर चल के देखते हैं, ये सामने लेक है, अभी अंदर से आपको दिखेगी कि साफ, यहाँ से तो दिख नहीं रही होगी आपको। अभी अंदर चलते हैं, दिखाते हैं लेक, बोटिंग करेंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि लेक में अभी थोड़ी देर। छुट्टी की लेक अभी आपको दिखाते हैं, ये सामने बोटिंग हो रही है। और यहाँ पे तुम्हें रॉ बोट मिल जाएगी, पैडल बोट, मोटर बोट मिल जाएगी, यहाँ लेक पे भी दिखाते हैं। यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी आप। ये लेक हो गई पूरी यहाँ से वहाँ तक, ये जैसे अपने नॉर्थ में नैनीताल लेक है वैसे यहाँ पे ये ऊटी लेक है। पूरा व्यू सामने से इधर का आता है, काफ़ी भीड़ भैया यहाँ पे। आज है संडे, तो संडे को यहाँ पे मिलेगी काफ़ी सारी भीड़, तो आप कभी भी आएँ तो वीक डे में आएँ, वरना ऐसे लाइन में खड़े रहेंगे हमारी तरह। बहुत भीड़ है भाई यहाँ, अरे भीड़ लगी हुई यहाँ पर, और यहाँ पे कलेश हो गया है, तो यहाँ पे रोक दिया है इन्होंने बोटिंग करना, और हम यहाँ पे आधा एक घंटे से खड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बोटिंग नैनीताल में करके आना, यहाँ सुनना भी मत बोटिंग करोगे तो। ये बोटिंग हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लगभग आधे घंटे हो गए हैं, ये लोग फाइट कर रहे हैं और हम लोग बोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। इन लोग के चक्कर में इतनी भीड़ लगी हुई है आगे से पीछे तक, ये भी भीड़ चक्कर है, यहाँ से वहाँ तक पूरी भीड़ ही भीड़ है, ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से वहाँ तक आपको जहाँ तक लोग दिख रहे हैं, आधा घंटे से हम यहीं पे खड़े हैं, यहाँ तक ये पता नहीं हो पाया। हमें लग रहा है कि हमें छोड़ देनी चाहिए अब, और ये फाइट हो रही है यहाँ पे, मेरी बहन का फाइट इन पुलिस। हाँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा हम लोगों को भी, और देखते हैं। यहाँ पे भैया वो हो रहा है, जो बाद में आ रहा है वो पहले जा रहा है, जो पहले आ रहा है वो जा ही नहीं रहा है। यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है काफी जोर से। 2 hours later अगले बाद बोट मिल चुकी है यहाँ पे, सब अपने लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे, जैकेट भी मिल गया। अभी देखते हैं कि कितना घुमाएंगे ये। एक घंटे बाद हमारा नंबर आया है, भीड़ काफी थी, गलत हो रहा है हमारे लोगों के साथ। अभी बोट मिल चुकी है अपने लोगों को, देखते हैं एक चक्कर कटाएंगे जाकर। चल दी अपनी बोट, इधर लेके जाएंगे। Yeah.
बस ये छोटे से, बस यहाँ पे छोटे से कोल सेंटर के लिए हम लोगों को एक घंटा मशक्कत करनी पड़ी और लड़ाई करनी पड़ी। पहले हम लोगों ने लड़ाई की थी, सबसे ज्यादा मार जो पड़ी थी वो भैया की पड़ी थी। भीड़ में हम लोगों की लड़ाई भी हुई थी, एक बच्चे ने हम लोगों को मारा भी। हाय हाय, पहुंच गए यहाँ पे उतार देंगे हम लोग। कम से कम एक घंटे से लड़ रहे थे कि हमें बिठाओ, तो बाद में आ रहे थे, उनको बिठा रहे थे, और 5 मिनट की बोटिंग हो गई। यहाँ पे हम लोग उतार देंगे, ये बोटिंग उतर रहे थे। बोटिंग अपनी समाप्त होती हुई, 5 से 10 मिनट कराया होगा हमारे यहाँ पे, जो करते हैं फिर आगे हैं। बोटिंग अपनी हो चुकी है, बोटिंग में सब ठीक था। लोग जो हमारे साथ बैठे थे उनसे जो कहो भाई, उन्हें ब्लॉगिंग से दिक्कत थी, हम लोग ब्लॉग बना रहे थे उससे उन्हें प्रॉब्लम थी, और काफ़ी कुछ बोल रहे थे। पहले तो देखा होगा कि बोटिंग करने के लिए हम लोगों ने 1 घंटे वेट किया, उसके बाद हल्की सी लड़ाई, बोट हम लोगों ने जब शुरू की तब यहाँ पे लोग थे जो अपने टीम के थे, यहीं के थे आसपास के अपने इलाके के, बट जो उनका बिहेवियर था वो बहुत बुरा था। मैंने पहले सोचा कि कवर करूं, पर मैंने कहा चलो रहन देते हैं, क्या ही कुछ बोलें। क्या कहेंगे आप इन लोगों के बारे में? आई थिंक कि जो भी लोग साथ में थे उनका बहुत ही बैड बिहेवियर था। हम लोग यहाँ पे इंजॉय करने आए हैं तो साथ में इंजॉय करते हैं, लेकिन नहीं, लोगों को क्या है, बस खुजली होती है और वो शुरू हो जाती है। पहले हम लोगों ने सोचा कि उनकी खुजली मिटाएं, बट बड़े बूढ़े थे तो हमने उनकी रिस्पेक्ट की, क्योंकि अपना तो वही इज्जत करेगा, इज्जत पालेगा, नहीं करेगा खा लेगा। अब हम देखते हैं कि आगे क्या एक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बोटिंग जो थी वो अपनी कम्प्लीट हो चुकी है। शॉप्स वगैरह हैं, हम सब जो खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। ये पार्क है, यहाँ पे लोग बैठे हुए आराम से, किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप आएँ यहाँ पे बैठें 2-4 घंटे, जितनी देर आपका मन करे फिर आप जाएँ। यहाँ से बच्चों के झूले का इंतज़ाम है पूरा, यहाँ से झूला घूम सकते हैं। ये खाली ग्राउंड एरिया, यहाँ पे आप तस्वीरें खिंचा सकते हैं, खड़े होकर देख सकते हैं कि लोग बोटिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सब लोग बोटिंग कर रहे हैं, कोई पैडल वाली कर रहा है, कोई मोटर वाली कर रहा है, ये सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है सामने का, और ये लेक के जस्ट सामने आपको मिलेगी ये लोकल मार्केट, यहाँ पे आप कपड़े वगैरह जो चाहें तो बस में जाने का, ओके गार्डन जाने का टाइम नहीं है, यहाँ से आप लोकल ले सकते हैं। ये हॉरर हाउस है, भूतिया हवेली। एक रात जागा मैंने देखा था सवेरे।